वक्त और मूड दोनों ऐसा चीज है जो हर वक्त चेंज होते रहता है। नहीं, मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट फोटोज। जैसा एक ब्राइट सनी डेलाइट फोटो की मूड क्रंजी क्लाउडी सिनेमैटिक में चेंज हो जाए, या फिर एक नॉर्मल सा टावर की मूड लो की थ्रिलिंग बन जाए, सब कुछ पॉसिबल है, बस कुछ टेक्निक्स का कमाल है। कोई भी फोटो को एक मूडी वाइब देने के लिए तुम्हें जो पहला चीज चाहिए वो है वो फोटो। और अगर फोटो बहुत ही मिस्टिक या मूडी वेदर में खींचा ना गया हो, देन यू गोना नीड लाइट रूम। और ये जो टेक्निक्स मैं बताने जा रहा हूँ, ये लाइट रूम मोबाइल या फिर लाइट रूम पीसी दोनों में ही एप्लीकेबल है, क्योंकि सेम सेटिंग, सेम टूल्स, सेम टेक्निक्स है। बट पहले, व्हाट इज मूडी टोन्स? एक्चुअल सिनेमैटिक मूडी टोन्स को लेके हम बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, बट बेस्ड ऑन इंस्टाग्राम मूडी टोन्स एक बहुत डार्क लो की ग्रंजी यू नो म्यूटेड कलर्स विद अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रास्ट ऐसा है, और हर कलर्स का एक अलग शेड होता है, ग्रीन्स का, येलोस का, ब्लूज का। सो द फर्स्ट टेक्निक इज, कोई भी सिनेमैटिक वाली मूडी टोन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्ट्रास्ट, लाइट की कॉन्ट्रास्ट नोटिस करना। जो एक्चुअल सिनेमा में मूडी टोन्स होता है, जो वहाँ पे जो सिनेमैटिक टोन्स होते हैं उसमें बहुत ही सॉफ्ट लाइट यूज करते हैं, क्लाउडी स्काई, ओवरकास्ट स्काई, बहुत सॉफ्ट नेचुरल लाइट है ना। और अगर तुमने बहुत शान से एकदम हर सनलाइट के नीचे फोटो खिंचवाया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा हाथ लगाएंगे सॉफ्ट हो जाएगा। और हाथ जिसमें सबसे पहले लगाना है वो है वाइट्स, शेडोज एंड हाइलाइट्स। हाइलाइट्स और वाइट्स को थोड़ा कम करना है, स्पेशली अगर ह्यूमन सब्जेक्ट है ना, तो उसके चेहरे के ऊपर से जो स्पेक्युलर हाइलाइट्स बोल के एक चीज होता है, जो बहुत शार्प हाइलाइट एरिया होगा ना उसको बहुत डिम कर देगा, अगर तुम हाइलाइट्स और वाइट को थोड़ा कम करोगे। उसके साथ शेडोज को थोड़ा इंक्रीज कर देना, और ये जो कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर है ना इसको भी थोड़ा डिक्रीज कर देना। क्यों? थोड़ा फेडेड लुक आने के लिए। तो भाई कॉन्ट्रास्ट कहाँ से लाए? कर्व टूल से एक एस कर्व क्रिएट करना है फोटो के हिसाब से। अगर ह्यूमन फेसेस ना हो तो मिड टोन्स को तुम थोड़ा ज्यादा ही डिक्रीज कर सकते हो, थोड़ा वो ग्रंजी लो की लुक देने के लिए, लेकिन बहुत सटल। और शेडो पॉइंट को लेके थोड़ा ऊपर कर देना वो मैट फिनिश लुक के लिए, और हाईलाइट पॉइंट को भी थोड़ा नीचे कर देना वो सेम कॉन्सेप्ट मैट लुक। बट इस पे एक और एडवांटेज है, ये लाइट को क्लिप नहीं होने देगा, और बाकी का कॉन्ट्रास्ट हम सिलेक्टिवली कलर ग्रेडिंग के बाद देंगे, विच इज द सेकेंड प्रोसेस। पहले ही हम फोटो को देख के सेट करेंगे मूड और टोन। लड़की सेट तो ऐसे भी नहीं हो पाता तुमसे। खैर, हमारे पास है वाइट बैलेंस एंड टेम्परेचर, जिससे तुम फोटो को कोई भी स्पेसिफिक टोन्स की तरफ ले जा सकते हो, चाहे वो कूल ब्लू टोन हो या फिर एक वार्म ग्रीनिश येलोइश टोन। और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही से फोटो और इंस्टा फॉलोअर्स एक अलग डिरेक्शन ले लेगा। किस तरफ? फॉर दिस फोटो अ लिटिल बिट वार्म, तो टेम्परेचर थोड़ा येलो की साइड, और टिंट में थोड़ा ग्रीनिश टाइप के रख रहा हूँ फॉर दैट सिनेमैटिक मूडी। और मूड जब होता है हम मारते हैं हाथ कहाँ पे? कलर्स पे, HSL। और यहाँ पे तुम कलर्स को एक अलग ही डिरेक्शन दे सकते हो, जस्ट लाइक दिस ग्रीन, जो मूवीज में या फिर सिनेमैटिक फोटोज में भी होता है देखना, बहुत डीसैचुरेटेड डार्क ग्रीन होता है, और मुझे पर्सनली इस टोन पे पसंद है कोई भी ग्रीन। इसी तरह ब्लूज को भी तुम थोड़ा सायन कलर दे सकते हो, उसको भी थोड़ा डीसैचुरेट कर सकते हो। इतना डीसैचुरेट क्यों? क्योंकि कलर्स तो हम अब डालेंगे एक्चुअल कलर ग्रेडिंग में। और ये मोबाइल के लिए भी एकदम सेम है, नोटिस करना शेडोज में बहुत सिनेमैटिक फोटोज या मूवीज अगर तुम देखोगे तो देखना एक टील ब्लू या फिर ग्रीनिश टाइप का टिंट आता है। सो यहाँ पे शेडो में पहले तुम एक टाइप का कलर चूज कर लो, उसको इंक्रीज करके देख लो कौन से वाले कलर तुम चूज करना चाहते हो, फिर धीरे धीरे उसको कम करो। स्कूल से लेके कॉलेज मार्क्स की तरह मिड टोन्स में थोड़ा वार्म एंड ड्रामेटिक टोन के लिए मैं थोड़ा ग्रीनिश टू वार्म येलो टाइप का टोन चूज कर रहा हूँ, बट बहुत डीसैचुरेटेड। कोई भी आउटसाइड फोटो के लिए ये जो हाईलाइट वाला सेक्शन है ना, ये तुम्हारा पूरा मूड चेंज कर देगा। सो फॉर दिस फोटो आई वॉन्ट अ वेरी ड्रामेटिक ग्रंजी लुक, सो आई विल गो विथ अ लिटिल वार्म ग्रीनिश टोन। साइंटिफिक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मूड और साइंस दोनों एक साथ थोड़ी आ सकते हैं, एंड दिस विल लिटरली चेंज योर एंटायर टोन ऑफ द फोटो। जैसे इस फोटो के लिए मैंने थोड़ा लो की डार्क थ्रिलिंग टोन के लिए शेडो एंड मिड टोन में टील रखा है, बट हाईलाइट को थोड़ा ग्रीनिश साइड पे रखा है टू गिव इट अ लिटिल हॉरर थ्रिलर लुक। कलर्स के बाद हम शेप करेंगे लाइट।
बॉडी की तरह ही लाइट को शेप करने के लिए तुम्हें चाहिए फोकस। कहाँ पे? जहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट हो, इन दिस केस दिस हॉलीवुड मॉडल। अब इसके लिए तुम दोनों साइड से दो ग्रेडियंट टूल मार सकते हो। तो ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करके एक्सपोजर, हाईलाइट, शेडोज को थोड़ा डिक्रीज कर सकते हो। और स्काई वाली पार्ट के लिए तुम एक रेडियल टूल लेके अपने हिसाब से सेट करके डी हेस को इंक्रीज कर सकते हो। उससे क्या होगा, डिटेल्स आ जाएगा स्काई में। उसके साथ थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भी इंक्रीज कर सकते हो, हाईलाइट्स कम कर सकते हो, ताकि वो डिटेल्स आ जाए स्काई पे। शेप आ रहा है कि नहीं? हाँ, इसके लिए भी सेम, बस टावर पे फोकस शिफ्ट करना है। कलर सर फोकस ठीक होने पे हम कर सकते हैं सम लास्ट बेंचेस वाली आइसिंग ऑन द केक। अब देखो, बहुत कुछ कर सकते हो फॉर द फाइनल टच। सम ऑफ माय फेवरेट्स आर एडिंग फॉग। देखो, इसका डेडिकेटेड ट्यूटोरियल ऑलरेडी है, बट मेनली फोटो की कोई भी एरिया को चूज करके, सिलेक्ट करके, डी हेस को कम करके तुम फोटो की किसी भी एरिया में एक मिस्टिक फॉग वाली वाइब दे सकते हो। सेम वही वाली टेक्निक यूज करके तुम हाईलाइट को ज्यादा और क्लैरिटी को कम करके स्काईज पे या फिर कोई भी जगह पे जहाँ पे ओवर एक्सपोज हो रहा है या फिर थोड़ा हाईलाइटेड पोर्शन है, वहां पे एक लाइट ब्लूम दे सकते हो। यही टेक्निक से तुम फोटो में फेक लाइट ऐड कर सकते हो। पूरा एडिट हो जाने के बाद क्लैरिटी स्लाइडर को ओवरऑल थोड़ा डिक्रीज कर सकते हो, तो गिव इट अ ड्रीमी फील। ब्रश टूल से अपने चेहरे को सूरज बना सकते हो। नहीं, ये नहीं करना एक्साइटमेंट में। तो एक्साइटमेंट कम करके तुम धीरे धीरे ये सब टेक्निक यूज करके कोई भी फोटो को एक ड्रामेटिक मूडी टोन्स या वाइब्स दे सकते हो, और जिससे तुम खुश होके शायद मेरा भी मूड ठीक कर दो। बट ऑलवेज रिमेंबर टू आस्क इन द कॉमेंट्स, प्रीसेट दे दो आफ्टर लर्निंग ऑल दिस।